नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे अप्रैल में कितने दिन बंद रहेंगे बैंक। बिहार समेत पूरे देश में एक बार फिर से कोरोना का संक्रमण देखने को मिल रहा है। देश के कई राज्यों में एक बार फिर से 21 दिनों के लॉकडाउन लगा दिया गया है। लॉकडाउन के दौरान देश में बैंक समेत कई जरूरी सेवाओं को खोला गया है। इसी श्रेणी में आते हैं बैंक और एटीएम, जिसे पूरी तरह से खुली रहने की बात कही गई है। इधर कोरोना को ध्यान में रखते हुए कुछ बैंकों ने सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए अपने कर्मचारियों के काम के घंटे को कम किया है। वहीं अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में बैंक के कामकाज की बात करें तो बिहार में लॉकडाउन जैसे हालात तो नहीं हैं, लेकिन आपका काम अगर बैंक से जुड़ा है तो आप इसके लिए यह खबर काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अप्रैल के महीने में बैंक 10 दिनों के लिए बंद रहने वाले हैं। आइए एक नज़र डाल लेते हैं बिहार में किस किस दिन बैंक बंद रहेंगे। अप्रैल के महीने में रामनवमी, अम्बेडकर जयंती जैसे बड़े पर्व आने वाले हैं, जिसके चलते बैंक के अगले 10 दिनों तक के लिए छुट्टी पर रह सकते हैं। आपको बता दें कि बैंकों में सबसे पहले छुट्टी 2 अप्रैल को होगी। इस दिन गुड फ्राइडे है। देश के ज़्यादातर राज्यों में 2 अप्रैल को सरकारी और निजी बैंक बंद रहेंगे। इसके बाद 6 अप्रैल को महावीर जयंती है। इस दिन देश के ज़्यादातर राज्यों में छुट्टी रहती है, लेकिन बिहार में इस दिन छुट्टी नहीं रहेगी। इसके बाद 11 अप्रैल को महीने का दूसरा शनिवार है, इसलिए इस दिन सरकारी और निजी दोनों ही बैंकें बंद रहेंगी। 13 अप्रैल को बीजू और बैसाखी का त्यौहार है, जिसके चलते असम, पंजाब और हरियाणा के बैंकों में किसी भी तरह के काम नहीं होंगे, लेकिन बिहार के बैंक इस दिन खुले रहेंगे। इसके अगले ही दिन यानी कि 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती है। इस दिन देश के सभी बैंकों में छुट्टी रहती है, इसलिए बिहार में भी सभी बैंक इस दिन बंद रहेंगे। इसके बाद 21 अप्रैल को रामनवमी है और गरिया पूजा का त्यौहार है, इसलिए 21 अप्रैल को बिहार के सभी बैंक बंद रहेंगे। इसके बाद 25 अप्रैल को महीने का चौथा रविवार है और देश के सभी निजी और सरकारी बैंक बंद रहेंगे। इस तरह अप्रैल में अलग अलग राज्यों में 10 दिनों की छुट्टी रहेगी। ऐसे में यह जरूरी है कि अपने किसी जरूरी काम के लिए बैंक जाने से पहले आप बैंकों की छुट्टियों की लिस्ट पर एक नज़र डाल लें। आपको बता दें कि बैंकों की छुट्टियों के दौरान एटीएम में पर्याप्त कैसे रहेगा और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। यहां आपको यह भी जान लेना चाहिए कि कोरोना संकट के बीच आरबीआई ने भारत की आर्थिक हालत को थामे रखने के लिए पिछले दिनों कई उपायों का ऐलान किया है। इसमें सबसे बड़ी राहत आम लोगों यानी कि उपभोक्ताओं को कर्ज में 3 महीने की ईएमआई में छूट के तौर पर दी है। आरबीआई ने कहा है कि वो सभी बैंकों को न ऐसा करने की अनुमति देते हैं। आरबीआई ने इस ऐलान के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, आईडीबीआई और एचडीएफसी बैंक के साथ ही आईसीआईसी बैंक को ने अपने उपभोक्ताओं को ईएमआई टालने का विकल्प दे दिया है। आपको बता दें कि देश में बैंकों की संख्या 27 से घटकर अब 12 रह गई है। इन 12 बैंकों में 6 बैंकों का विलय हुआ है और 6 बैंक स्वतंत्र बैंक में हैं। इनमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में हो गया है, तो वहीं सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में हो गया है और इधर इंडियन बैंक का विलय जो है इलाहाबाद बैंक में हो गया है। तो ये थे अप्रैल के महीने में बैंकों में कितने दिन रहेगी छुट्टियां। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।